हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटरफेस इन सी शार्प। तो फ्रेंड्स, हमने इंटरफेस स्टडी किया। इंटरफेस क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर उसको अपलोड कर दिया वीडियो, आप चाहें तो उसको स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेस। तो फ्रेंड्स, इंटरफेस के भी टाइप होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट वन है इम्प्लिसिट इंटरफेस, सेकेंड वन है एक्सप्लिसिट इंटरफेस। तो फर्स्ट इज इम्प्लिसिट इंटरफेस। इम्प्लिसिट इंटरफेस मतलब अनक्लियर, अगर हम इसका मीनिंग समझें, अनक्लियर इंटरफेस मीन्स आप जिस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्लास में, सपोज आप दो तीन इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्लास के अंदर, और दो इंटरफेस के अंदर हो सकता है कि सेम नेम का मेथड हो, तो आप उसको एक ही बार इम्प्लीमेंट करेंगे। ये तो है नहीं कि आप अगर एक मेथड दो इंटरफेस में है तो दोनों को दोनों अलग अलग इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं, एक ही बार इंप्लीमेंट करेंगे। तो आप क्या बता पाएंगे कि किस इंटरफेस का ये मेथड है, नहीं बता पाएंगे ना, इसलिए इसको बोला जाता है इम्प्लिसिट इंटरफेस। और एक्सप्लिसिट इंटरफेस मीन्स क्लियर, इस केस में आप बता पाएंगे कि किस इंटरफेस का कौन सा मेथड इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी समझ में आएगा। तो फ्रेंड, मैंने एक प्रोजेक्ट लिया, कंसोल एप्लीकेशन, क्लास का नेम है इंटरफेस टाइप, उसके अंदर मेन मेथड रखा है। तो फ्रेंड, पहले मैं इंटरफेस बनाता हूं, एक इंटरफेस आई वन। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने एक इंटरफेस बनाया जिसका नाम है आई वन। इसमें मेथड रखेंगे void मेथड वन। तो फ्रेंड, मैंने इंटरफेस बनाया आई वन, उसके अंदर मेथड बनाया मेथड वन, void मेथड वन। ठीक है फ्रेंड, तो मेथड इंटरफेस के अंदर मेथड की बॉडी नहीं दी जाती है। ठीक है, चलिए अब मैं एक क्लास बना लेता हूं, उस क्लास में इसको इनहेरिट करते हैं, क्लास क्लास वन। ठीक है फ्रेंड, अब मैं इसमें इनहेरिट कर रहा हूं इंटरफेस वन को आई वन। आई वन को मैंने इनहेरिट किया। अब देखो फ्रेंड, एरर आ गई है, एरर आ रही है इसमें कि आपने इंटरफेस आई वन के मेथड वन को इंप्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड, इंप्लीमेंट करते हैं। तो इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, एज इट इज इसको उठाएंगे यहां से, कंसोल राइट लाइन मेथड वन ऑफ इंटरफेस वन। फ्रेंड, मैंने आई वन इंटरफेस के मेथड वन को इंप्लीमेंट किया, उसमें लिखा है कंसोल के अंदर मेथड वन ऑफ इंटरफेस वन, इंटरफेस आई वन का इंटरफेस आई वन का मेथड वन मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। फ्रेंड, एरर आ रही है, एरर है क्लास वन डॉट मेथड वन कैन नॉट इंप्लीमेंट इंटरफेस मेंबर बिकॉज इट इज नॉट पब्लिक। तो फ्रेंड, इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पब्लिक। तो फ्रेंड, इम्प्लिसिट मेथड, अब देखो फ्रेंड, चलिए अभी क्लियर नहीं है, अभी क्लियर नहीं होगा वैसे। तो मैंने क्या किया, इंटरफेस वन के मेथड वन को मैंने इनहेरिट कर लिया, इंप्लीमेंट कर दिया, इस मेथड को मैंने बॉडी दे दी। तो ये बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड देना पड़ता है इसको यूज करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड कुछ हो सकता, एक सिचुएशन और आई फ्रेंड, सिचुएशन ये आई कि मुझे एक और इंटरफेस बनाना पड़ा। मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोला कि एक इंटरफेस और बनाओ, तो मैंने एक और इंटरफेस बनाया जिसका नाम है आई टू, और मैनेजर ने कहा कि सेम नेम का मेथड रखो, नेक्स्ट जो आप इंटरफेस बना रहे हैं उसमें इंटरफेस आई वन का मेथड वन रखो।
ये देखो फ्रेंड, आई वन के अंदर इंटरफेस आई वन के अंदर भी मेथड वन है, इंटरफेस आई टू के अंदर भी मेथड वन है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने मुझसे कहा कि जो एक इंटरफेस और बनाओ उस इंटरफेस के अंदर भी वही मेथड नेम रखो जो आई वन के अंदर है। ठीक है फ्रेंड, रख दिया मैंने। अब इसे उन्होंने कहा यूज़ करो इसे। अब मैंने क्या किया, आई टू इसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया। क्लास वन के अंदर मैंने आई वन और आई टू दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मुझे मेथड वन को दो बार लिखना पड़ेगा क्या? क्या मैं इस मेथड वन को दो बार लिखूँ इस क्लास के अंदर? देखो यहाँ भी इसके अंदर भी मेथड आई वन है, इस इंटरफेस के अंदर भी मेथड आई टू आई वन है, मेथड वन है। ठीक है फ्रेंड, और मैं इसको इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ क्लास के अंदर, तो क्या इस मेथड वन को फिर से इम्प्लीमेंट करूँ? चेक कर लेते हैं बिल्ड करके, कोई एरर आती है? कोई एरर नहीं है फ्रेंड, बिल्ड सक्सीड हो गया। दोनों इंटरफेस के अंदर सेम नेम का मेथड है, मैं इसको इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। जबकि आई टू ने क्यों नहीं कहा कि मेथड वन इम्प्लीमेंट करो? ये तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, आई वन इंटरफेस का मेथड वन तो मैं पहले इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ ना। तो ये आई टू इंटरफेस का जो मेथड वन है, तो इस इंटरफेस आई टू ने क्यों नहीं कहा कि मेथड वन इम्प्लीमेंट करो? दोनों का नेम सेम है इसलिए। तो फ्रेंड क्या आप बता सकते हो कि ये मेथड वन अब किस इंटरफेस से आ रहा है? इंटरफेस आई वन से आ रहा है, इंटरफेस आई टू से आ रहा है? बता सकता है कोई? मैं भी नहीं बता सकता फ्रेंड। मैंने इस क्लास के अंदर दो इंटरफेस इंप्लीमेंट किए, दो इंटरफेस को इनहेरिट किया, उनके दोनों मेथड को इंप्लीमेंट किया, तो मैं नहीं बता सकता कि ये मेथड वन किस इंटरफेस का है, इंटरफेस आई वन या इंटरफेस आई टू का, नहीं बता सकते हम। तो फ्रेंड जब इस तरह से की सिचुएशन होती है, तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट इंटरफेस। क्या बोलते हैं फ्रेंड? इम्प्लिसिट, अनक्लियर। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? अनक्लियर, अस्पष्ट, मुझे क्लियर ही नहीं है कि जो मेथड वन है किस इंटरफेस का है, इंटरफेस आई वन का, इंटरफेस आई टू का है। तो हम इसको कहेंगे फ्रेंड, इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं इंप्लिसिट इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन। मुझे नहीं पता कि जो मेथड वन है ये इंटरफेस आई वन का है या इंटरफेस आई टू का है, मुझे नहीं पता, तो इसीलिए इसको कहा गया इंप्लिसिट इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन। जैसे कि जो लैंग्वेज मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है, जैसे कि सी प्लस प्लस में आपने क्लास बनाई उसके अंदर मेथड रखा, दूसरी क्लास बनाई उसके अंदर मेथड रखा, दोनों के अंदर सेम मेथड होता है। अगर दोनों के अंदर सेम मेथड है और आपने एक क्लास के अंदर दोनों क्लास को इनहेरिट किया, तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती थी। इसी को फ्रेंड बोलते थे मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या बोलते थे फ्रेंड? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जो क्लास का केस था, क्लास के केस में तो मेथड की बॉडी भी होती थी। जैसे अगर एक क्लास है उसके अंदर मेथड वन है, मेथड की बॉडी भी होगी। क्लास दूसरी है उसके अंदर मेथड वन की बॉडी होगी। फिर हमने तीसरी क्लास में दोनों को इनहेरिट कर दिया, तो तीसरी बॉडी बन गई, उसी मेथड की बॉडी बना दी हमने। तो कितनी बार इंप्लीमेंट होनी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो फ्रेंड इंटरफेस ने मल्टीपल इनहेरिटेंस को रिमूव किया। देखो इंटरफेस के अंदर मेथड का सिग्नेचर है सिर्फ, इंटरफेस सेकंड के अंदर भी मेथड का सिग्नेचर है, और हमने इसको इंप्लीमेंट किया है क्लास के अंदर। तो इस तरह से इंटरफेस ने मल्टीपल इनहेरिटेंस को रिमूव किया। मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस की तरफ से नहीं होती। देखो इंटरफेस वन, इंटरफेस टू दोनों इनहेरिट हो रहे हैं, लेकिन हमने मेथड को बॉडी क्लास के अंदर आके दिया है। इस तरह से इंटरफेस ने मल्टीपल इनहेरिटेंस को रिमूव किया। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट इंटरफेस, जब मुझे नहीं पता होता कि किस इंटरफेस का कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, यूज हो रहा है। जैसे इसके अंदर भी सेम मेथड वन है, इसके अंदर मेथड वन है। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट इंटरफेस। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम स्टडी करते हैं एक्सप्लिसिट इंटरफेस। एक्सप्लिसिट इंटरफेस, अब मैं जानना चाहता हूँ कि जो मेथड वन है, अगर ये जो मेथड वन है ये किस इंटरफेस का मैंने मेथड वन यूज़ किया है, इस वाले इंटरफेस का यूज़ किया है या इस वाले इंटरफेस का, तो कैसे करते हैं फ्रेंड? देखो पब्लिक वाइड, तो फ्रेंड अगर मैं जानना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने किस इंटरफेस का कौन सा मेथड कॉल किया है, तो मैं इंटरफेस के नेम से कॉल करूँगा। तो देखो फ्रेंड इंटरफेस का नेम आई वन डॉट, मैंने लिखा आई वन का मेथड वन यूज़ करना चाहता हूँ। तो देखो फ्रेंड जैसी डॉट लगाया, विद स्टूडियो का इंटेलिजेंस मुझे दिखा रहा है कुछ,
विजुअल स्टूडियो का इंटेलिजेंस मुझे दिखा रहा है मेथड वन, इसे यूज कर लीजिए क्योंकि इसके अंदर मेथड वन है सिर्फ, ठीक है। मैंने इंटरफेस के नेम से मेथड को कॉल कर लिया, मेथड मेथड वन ऑफ इंटरफेस आई वन। देखो फ्रेंड यहां पे एरर आ रही है, एरर है द मॉडिफाई पब्लिक इज नॉट वैलिड फॉर दिस आइटम। ये कह रहा है कि फ्रेंड आप पब्लिक यूज नहीं कर सकते यहां पे, मींस इम्प्लिसिट के केस में जब इम्प्लिसिट इंटरफेस होता है तो पब्लिक कीवर्ड यूज करते हैं, जो एक्सप्लिसिट होता है उसमें पब्लिक कीवर्ड यूज नहीं करते हैं। एरर थी, मैंने हटा दिया। तो फ्रेंड ये जो एग्जांपल है आपके सामने यह है एक्सप्लिसिट, ये एग्जांपल है एक्सप्लिसिट इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन। एक्सप्लिसिट मतलब इंटरफेस के नेम से कॉल कर रहे हैं, इंटरफेस वन का मेथड वन, इंटरफेस वन का मेथड वन। इसी तरह से टू का करेंगे फ्रेंड, इंटरफेस टू का मेथड वन, इंटरफेस टू आई टू। अब क्लियर है फ्रेंड, जब हम इंटरफेस के नेम से कॉल करते हैं मेथड को तो उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट इंटरफेस, और जब हम विदाउट इंटरफेस नेम से कॉल करते हैं तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट इंटरफेस। इम्प्लिसिट इंटरफेस में हमें पब्लिक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, जबकि एक्सप्लिसिट इंटरफेस के केस में हमें पब्लिक कीवर्ड यूज नहीं करना पड़ता, ठीक है फ्रेंड। अब क्लियर है हमें, यहाँ पे मुझे क्लियर नहीं है कि मैंने जो मेथड वन है वो किस इंटरफेस का मेथड वन यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्लियर है कि मैंने इंटरफेस वन का मेथड वन यूज़ किया है, यहाँ पे इंटरफेस टू का मेथड वन यूज़ किया है, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब मुझे कॉल करना है इन मेथड्स को, मुझे कॉल करना है, इसको कॉल करना है, इसको कॉल करना है और इसको कॉल करना है, ठीक है फ्रेंड। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मेथड वन कॉल लिखा सिर्फ इसमें। अब फ्रेंड मुझे इसे कॉल करना है, इन मेथड्स को कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए क्या होते हैं, इंटरफेस टाइप का रेफरेंस वैल्यू बनाएंगे। तो मैंने लिखा आई वन, आई वन ओबीजे इज इक्वल टू न्यू क्लास वन, ठीक है फ्रेंड। आई वन ओबीजे टू न्यू क्लास आई क्लास वन, कैसे कॉल करते थे, इंटरफेस इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बनाते थे और क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, ठीक है फ्रेंड। आई वन ओबीजे डॉट मेथड वन, ठीक है फ्रेंड। तो आई वन किसे कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा आई वन डॉट मेथड वन, ऐसे ही फिर से आई टू को कॉल कराएंगे I2, इस मेथड को कॉल करने के लिए I2 से, तो हमें I2 का रेफरेंस वैल्यू बनाना पड़ेगा, इंटरफेस 2 का रेफरेंस वैल्यू बनाया, ठीक है। कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है फ्रेंड। तो मेथड वन को कॉल करने के लिए मैंने इंटरफेस वन का रेफरेंस वैल्यू बनाया, मेथड वन को कॉल करने के लिए मैंने इंटरफेस टू का रेफरेंस वैल्यू बनाया और उसे कॉल किया। अब इसे कॉल करते हैं फ्रेंड, देखिए फ्रेंड मेथड वन ऑफ इंटरफेस आई वन, मेथड वन ऑफ इंटरफेस आई टू दोनों कॉल हो चुके हैं। मेथड वन ऑफ इंटरफेस वन, मेथड वन ऑफ इंटरफेस आई टू दोनों कॉल हो चुके हैं। अब नोट करने वाली बात यह है फ्रेंड कि ये वाला मेथड कॉल नहीं हुआ, ये वाला इम्प्लिसिट इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन वाला मेथड वन तो कॉल ही नहीं हुआ। इसे कैसे कॉल करेंगे, इसे हम कॉल कैसे करेंगे फ्रेंड, देखिए इसे कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल तरीका है, आप क्लास वन का ऑब्जेक्ट बनाइए और इस क्लास वन के ऑब्जेक्ट से इस मेथड को कॉल कर लीजिए। क्लास वन के ऑब्जेक्ट से ये मेथड कॉल नहीं होंगे,
क्लास वन के ऑब्जेक्ट से सिर्फ और सिर्फ इम्प्लिसिट इंटरफेस वाला मेथड कॉल होगा। तो देखो फ्रेंड, क्लास वन क्लास ओबीजे इज इक्वल टू न्यू क्लास वन क्लास ओबीजे डॉट मेथड वन। तो फ्रेंड मैंने इम्प्लिसिट मेथड को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया क्लास ओबीजे और मेथड को कॉल किया। देखो फ्रेंड, अब इसको रन करेंगे। देखो आपके सामने आउटपुट है, मेथड वन कॉल्ड, इम्प्लिसिट मेथड वन कॉल्ड, एक्सप्लिसिट मेथड वन कॉल्ड, एक्सप्लिसिट मेथड टू कॉल्ड। ठीक है फ्रेंड, तो ये है आपका इम्प्लिसिट मेथड कॉलिंग और ये है एक्सप्लिसिट मेथड कॉलिंग। तो फ्रेंड इम्प्लिसिट मेथड को कॉल करने के क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है और एक्सप्लिसिट मेथड को कॉल करने के लिए इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बनता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हमने इम्प्लिसिट इंटरफेस और एक्सप्लिसिट इंटरफेस को स्टडी किया। तो फ्रेंड मैं फिर से बता देता हूँ, इम्प्लिसिट इंटरफेस वो होते हैं जिन मेथड का हमें पता नहीं होता कि वो मेथड किस इंटरफेस से कॉल हो रहा है। एक्सप्लिसिट इंटरफेस इंटरफेस के नेम से कॉल किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे मेथड वन है मैंने इंटरफेस वन से कॉल किया, ऐसी आई टू से कॉल किया मैंने मेथड वन। अब मुझे क्लियर है कि जो मेथड वन है ये किस इंटरफेस का है, आई वन इंटरफेस का है, ये जो मेथड वन है ये किस इंटरफेस का है, आई टू इंटरफेस का है। कॉलिंग में एक्सप्लिसिट मेथड्स को इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल से कॉल करते हैं और जो इम्प्लिसिट मेथड होते हैं उनको क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इंटरफेस को स्टडी किया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।